बहुत से रिवॉल्वर रानी की कहानियां सुनी है, पर ये हकीकत में भी है। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार के गौनपुरा की जो मुखिया है वो किसी मसीहा से कम नहीं है। जहां पे आज के दौर पर महिलाओं को कमजोर माना जाता है, ऐसे दौर पर एक ऐसी भी हमारे साथ महिला जुड़ चुकी है, आभा देवी, जो आज की महिलाओं के लिए एक मसीहा है। जी हाँ, आज वो हमारे साथ है, बात करेंगे उनसे। और आज के दिन पे पूरे बिहार में उनको रिवॉल्वर रानी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अपनी पंचायत की रक्षा करने के लिए वो बेखौफ अंदाज से रिवॉल्वर के साथ निकलती हैं। आइए उनसे बात करते हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो आपका अनोखा अंदाज है, जिस तरीके से आप निकलती हैं, महिलाओं के लिए आप एक मसीहा हैं, क्योंकि जहां पे महिलाओं को कमजोर माना जाता है, वैसे दौर पर आप एक मुखिया भी हैं और साथ ही आपका एक अलग अंदाज है, ये कैसे और कैसे इन चीजों को मैनेज करती है? क्या कुछ चुनौतियों का सामना जो है आपको करना पड़ता है? हम मुखिया हैं और महिला हैं, मुखिया पद पर है तो हम सबके लिए हैं, जेंट्स हो या महिला हो या कोई भी हो। अन्याय हम नहीं सहते हैं, न्याय पर हम खड़ा उतरते हैं। मतलब ये जो एक महिला होने के बाद ऐसी जो आपको ऐसी जिम्मेवारी दी गई है, ये बहुत अहम चीज है जिसमें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता हो, ऐसा कोई चुनौती जो आपको सामने आई हो? इसमें बहुत सामना करने पड़ता है, रात हो दिन हो कभी भी मतलब जूझना पड़ता है, वैसा ही काम है। ऐसा कुछ आपके साथ कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया होगा और रिवॉल्वर रखना शुरू किया? हमरा पर एक बार मैंने छेड़छाड़ किया तो हम कहे कि अब मैंने रखना, सेफ्टी के लिए कुछ चाहिए ना, तो वही के चलते हम लाइसेंस बनवा के अपना खरीद लिया। क्लोजिंग पिटिशन। गौनपुरा पंचायत में आकर एक बात का तो साफ तौर पर ये बात जो है वो मालूम चलती है कि महिलाओं को अगर मौका दिया जाए तो वो किसी से कम नहीं। यहाँ पे जो सरपंच है वो भी एक महिला है, साथ ही जो मुखिया है वो भी महिला है, दोनों का अलग अंदाज है। एक रिवॉल्वर लेके घूमती है तो दूसरी साइकिल से पटना तक चली जाती है। ये बहुत साफ उदाहरण है जिससे ये समझा जा सकता है कि महिलाएं अगर चाहें तो कोई भी चुनौती जो है वो असंभव नहीं है। ये जो हम बात कर रहे थे अभी यहाँ की सरपंच से, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि घर वालों से भी बराबर तरीके से सपोर्ट मिलता है और उसके बाद जो भी चुनौतियां आती हैं वो लोग डटकर इसका सामना करती हैं, चाहे बात 12 बजे रात की हो या उसके बाद की। अगर अपने पंचायत के लिए कुछ करना है तो वो आगे बढ़कर वो सारी चीजें करती हैं जो एक पुरुष अगर मुखिया होता तो वो करता।